आज की वीडियो में दो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर आप उनके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स देखने के साथ ही आपको ये पता लग जाएगा कि किस हद की ग्रोथ से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी साफ तौर से ग्रोथ फॉर्मेट में आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो फंडामेंटल्स में शो होती हुई नजर आती है, बिजनेस मॉडल में शो होती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर जो आंकड़े प्रतीत होते हैं वो आंकड़े एवरेज से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक शानदार बढ़िया स्टॉक्स उनको बना देते हैं। और दोनों के दोनों स्टॉक्स की एक खास बात ये बताऊं कि यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स यहाँ पर लगभग 600 से 700 की एवरेज प्राइस पर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस उन दोनों स्टॉक्स का किया जाएगा और यहाँ पर ये भी आपको बताया जाएगा कि किस वैल्यूएशन पर वो फेयर जो है मिल जाएंगे, यानी कि सीधा सीधा कौन सी वैल्यूएशन स्टॉक के लिए एक फेयर वैल्यूएशन निकल कर के आती है, किस वैल्यूएशन पर हमें दांव खेलना चाहिए, किस वैल्यूएशन पर उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया जाना चाहिए, ये सारा एनालिसिस भी साथ ही साथ एड ऑन इस एनालिसिस में किया जाएगा। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको पैसा कमाना है तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिएगा, कोई भी अगर फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, कोई भी जो है एक मजबूत स्टॉक है जहां पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है, वो फाइंड आउट करना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है कि यहां पर हम उस स्टॉक को बढ़िया तरीके से फाइंड आउट करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस इन्वेस्टमेंट में क्या निकल करके आता है कि हमको घात लगा करके शिकार करना पड़ता है, यानी कि हर दिन हर हफ्ते उस स्टॉक में कभी खरीदारी का मौका नहीं आएगा, हमें उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है। और यहां पर मौके की अगर मैं आपको बताऊं तो मुश्किल से मुश्किल 6 महीने में या 8 महीने में या हो सकता है 1 साल में भी आपको वो मौका मिलता हुआ नजर आए। उस मौके का आपको इंतजार करना है, उस मौके पर आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा ठोस कारण ना हो तो उस स्टॉक में बढ़िया गिरावट बढ़िया वैल्यूएशन के दौरान खरीदारी करनी है। ये दोनों पॉइंट्स ही आपके जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मददगार साबित होते हैं कि आपका पोर्टफोलियो या फिर जो आपका पर्टिकुलर स्टॉक है वो कभी घाटे में नहीं जाएगा। और गाइज, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया या फिर एक और अपना या अपनी फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जो है एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे आप मेरे अंडर मैप्ड हो जाएंगे, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि आपको एक मेरी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप 2 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाएगी, जिसमें आपके साथ कुछ श्योर शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे और साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, किन स्टॉक्स को निकालना चाहिए, किन स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए, मैं आपके पोर्टफोलियो का कंप्लीट रिव्यू करके भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक से यहां पर आपको जो है अपना अकाउंट ओपन करना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर देना है। मेरी ऑफिशियल मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहला मिड कैप क्षेत्र का स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, मार्च 2022 के रिजल्ट पर आपका फोकस डलवाना चाहूंगा। 1667 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट या फिर जो है रिवेन्यू इन्होंने जो है पोस्ट किया है। अब यहां पर देखिएगा, ये हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है और साथ ही साथ इनके मार्जिन, यहां पर जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 5% के आसपास के रहे हैं, एक्सपेंसिस कुछ रहे हैं। और यहां पर अगर इनके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो लगभग 346 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक क्वार्टर को छोड़ दिया जाए जहां पर कुछ एड ऑन इनकम इनकी आई होगी, वरना जो है हर एक क्वार्टर का लेटेस्ट ये जो है रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया। और यहां पर अगर एनपीएस की बात की जाए तो यहां पर जो है एक बढ़िया मैनेजेबल एनपीए है। और यहां पर देखिएगा, बुक्स कितनी शानदार तरीके से क्लीन होती हुई नजर आ रही है, 4.25% तक के एनपीए इनके ग्रोथ थे, जो कि अराउंड 1.98% पर सिमट करके रह गए हैं। 2.18% के नेट एनपीए बन चुके थे, जो कि 0.50 पर सिमट करके रह गए, यानी कि कंटिन्यूअसली बुक्स भी क्लीन हो रही है और यहां पर स्टॉक की परफॉर्मेंस में भी इजाफा यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, रिवेन्यू भी हर क्वार्टर वाइज अच्छी दर से बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है, 957 करोड़ से फिर 1033 करोड़, फिर 1112, फिर 1183, 1184, 1212, हर क्वार्टर में, यानी कि आप ऐसा देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में आपको इजाफा ही देखने को मिलेगा। मैं स्टॉक का नाम सबसे पहले आपको बताऊंगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग पिछले 6-7 दिनों से कि स्टॉक का भाव 624 क्यों हो गया है। देखिएगा, ये पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और यहाँ पर जो है लोग ये पता है कि ये स्टॉक बोनस देने वाला है, बट उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली 1 महीने बाद होती है और यहाँ पर इस तरीके से जो है लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर 9 जून को आपको जो है 1:1 का बोनस मिलता हुआ दिखाई दिया, यानी कि अगर आपके पास
20 शेयर थे, 20 शेयर का 1200 दाम था, तो आपके पास 40 शेयर हो जाएंगे और अराउंड 620 या 630 या जो भी उसकी एवरेज आउट निकल करके आएगी उस भाव पर आपको जो है वो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी डबल हो जाएगी और यहाँ पर जो है जो रेट था स्टॉक का वो आधा हो जाएगा या आधे से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो भी वहाँ पर एडजस्ट हुआ होगा वो इस तरीके से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। बट एक और अगेन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए सस्ते दाम में खरीदने का, यहाँ पर मौका आया है और यहाँ पर जो है मान लीजिए जिसके पास 20 शेयर थे वो 40 हो गए, जिसके पास 20,000 शेयर थे वो 40,000 हो गए हैं और यहाँ पर इस तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये गतिविधि होती हुई दिखाई दी है। मार्केट कैप है अराउंड 40,000 करोड़ के आसपास का, 34 के प्राइस ट्रेडिंग रेशो पर ट्रेड कर रहा है और एक बढ़िया ग्रोथ स्टॉक है। यहाँ पर अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो बड़ा ही लुभावना शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा, जहाँ पर कंसिस्टेंटली तरीके से FIs का फोकस जो है ज़बरदस्त बना हुआ है, DIs का फोकस ज़बरदस्त बना हुआ है और यहाँ पर लगभग यहाँ पर एक बढ़िया स्टेक प्रमोटर्स के हाथ में भी है, बड़ा ही स्टेबल टाइप का जो है ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखाई देगा। मैं आपको जो है कुछ और आंकड़े भी दिखाना चाहूँगा जिससे स्टॉक की परफॉर्मेंस का कुछ और अंदाज़ा आपको लग जाएगा। देखिएगा कंसिस्टेंट तौर पर स्टॉक ने एक बढ़िया सेल्स ग्रोथ ला करके दी है, कंसिस्टेंट तौर पर इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं, लास्ट 5 ईयर्स में अच्छी CAGR नहीं रही है बट यहां पर ओवरऑल प्रॉफिट्स भी इनके लगातार आपको बढ़ते क्रम में दिखाई दिए हैं और यहां पर अगर CAGR की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 20% की, यहां पर लास्ट 1 ईयर में 14% के आसपास की है। बट ये स्टॉक से आप हाई CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से अगर आप इसको नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, यानी कि मोटा मोटा एक FD का समय देते हैं, तो ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा, ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक भी आपको एक बढ़िया रिटर्न देता हुआ भी नजर आ सकता है। इनके रिजर्व्स लगातार जो है बढ़ते क्रम में दिखाई देंगे, बोरोइंग्स भी बढ़ते क्रम में दिखाई देंगे, बट फाइनेंशियल स्टॉक में ओवरऑल जो है बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स में बोरोइंग्स का बढ़ना एक अच्छा संकेत होता है, इनका काम ही है पैसा लेकर के पैसा देना, तो अगर ये बोरोइंग्स नहीं उठाएंगे तो ये काम काज नहीं कर रहे। देखिएगा जिसके पास लंबी चौड़ी बोरोइंग्स नहीं है इसका मतलब उसका धंधा बहुत लंबा नहीं है, जिनकी बोरोइंग्स लगातार बढ़ती चली जा रही है उनकी जो है लेंडिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये एक चीज़ होती है जो फाइनेंसिंग एसेट्स या जो है इस तरीके की कंपनीज में आपको फोकस में रखना है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारी कहानी सिमट करके आ जाती है, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 21 के आसपास दिखाई देगी, सारा माल कौन खरीद रहा है, सारा माल लगातार FIs की झोली में जा रहा है, 25% का भारी स्टेक पहले से ही 2019 में बना करके रखा था और आज के दिन लगभग 34.81% का स्टेक है, आज तक इस तरीके का स्टेक इनका जो है नहीं आया है और अब तक के हर एक क्वार्टर को अगर आप जो है नजरअंदाज जो है या फिर मद्देनजर रखेंगे तो ये अब तक का हाईएस्ट एवर इनका स्टेक है और एक हर एक क्वार्टर में हर एक स्टेक का बढ़ना, हर एक क्वार्टर में जो है कुछ स्टेक का बढ़ना ये लगातार एक अच्छा संकेत किसी भी जो है शेयर होल्डर के लिए हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई इसमें खरीदारी करके बैठा है उसको बोनस भी मिल गया है, रिटर्न भी मिल गया, तो वो क्यों बेचेगा, यहाँ पर उसको होल्ड करना चाहिए और यहाँ पर खरीदना कहाँ चाहिए अब उसका भी डिस्कशन मैं आगे करने वाला हूँ। सो DIs की भी मैं आपको हिस्सेदारी बता देता हूँ, 15-16% के आसपास का स्टेक था, बढ़कर के अराउंड 20% तक गया और यहाँ पर फिलहाल 18.66% तक है और यहाँ पर आने वाले समय में जैसे जैसे और गिरावट मिलेगा DIs खरीद लेते हैं, थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुक करते हैं फिर खरीद लेते हैं, इस तरीके से जो है ये कहानी यहां पर मालूम पड़ती है। फिलहाल आपको जो है अराउंड 34 का प्राइस ट्रेनिंग रेशियो देखने को मिल रहा है, इसका एवरेज प्राइस ट्रेनिंग रेशियो एक बार सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 34 के आसपास का ही इसका एवरेज प्राइस ट्रेनिंग रेशियो रहा है, हायर साइड में देखें तो ये 50 तक भी गया है, लोअर साइड में देखें तो ये जो है अराउंड 20% तक भी गया है। सो यहाँ पर देखिएगा 34 के एवरेज प्राइस ट्रेनिंग रेशियो पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, अगर जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ गिरावट आ गई तो वो ज़्यादा फर्क उस चीज़ से पड़ेगा नहीं एक्चुअल में, बट यहाँ पर अगर आपको एक जो है मौके की तलाश रहनी है, एक मौके की तलाश करनी है तो स्टॉक नीचे में 20 या 22 के प्राइस ट्रेनिंग रेशियो तक भी गया है, तो आप इसका बीच का जो है नंबर फाइंड आउट कीजिएगा, यानी कि 27 या 28 के प्राइस ट्रेनिंग रेशियो का मौका आपको ढूंढना है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है और जब भी स्टॉक इस वैल्यूएशन पर दिखाई दे या फिर जो है स्टॉक अराउंड मान लीजिए जो है 624 के भाव पर है, 462 के आसपास का 52-week लो है, तो यहाँ पर इनके बीच में कहीं मध्य स्तर में दिखाई दे तो यहाँ पर भी स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, यानी कि अराउंड 550 के रेट में स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। जब स्टॉक 1200-1300 हुआ करता था तो काफ़ी बार गिर करके ये 800 तक भी आया है, काफ़ी बार गिर करके देखिएगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बढ़िया इसने गिरावट काफ़ी बार दिखाई है, देखिएगा इस रेंज में जाते हुए यहाँ पर काफ़ी बार आया है, 2-3 बार जो है एक बढ़िया मेजर गिरावट इस स्टॉक ने लगातार यहाँ पर दिखाई है, 2021 में भी जो है लगातार अच्छी गिरावट इसमें आई है, कंटिन्यूअसली जो है अराउंड 20-25% के आसपास का टॉप जो है अपने टॉप से इसमें फॉल देखा जा सकता है, तो यहाँ पर वही इंतज़ार आपने करना है और वहाँ स्टॉक में बाइंग करनी है, यानी कि घात लगा करके शिकार
करना है और एक अच्छे दाम पर स्टॉक को खरीद लेना है तो उसका जबरदस्त बेनिफिट आपको आपके पोर्टफोलियो में मिलता हुआ दिखाई देगा। गाइस दूसरा स्टॉक ये है, अब जिस तरीके का गजब गजब इनका धंधा है मैं दूसरा धंधा मानता ही नहीं हूँ, ये एक बढ़िया धंधा है यहाँ पर आने वाले समय में, खास तौर पर अब के बाद जो समय आने वाला है, नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स जो आने वाले हैं इस तरीके के स्टॉक्स के लिए वो बड़े ज़बरदस्त रहने वाले हैं और यहाँ पर इन तरीके के स्टॉक्स की लगातार सेल्स बढ़ने वाली है। मार्केट कैप आपको दिखाई देगा 51,000 करोड़ के आसपास का, दोनों स्टॉक्स में सेम कहानी है, 787 के आसपास का स्टॉक फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये भी गिर करके 787 आया, ये भी जो है 1300-1400 तक चला गया था, फिर यहाँ पर जो है इसमें भी बोनस मिला और ये भी आपको गिरावट के जो है दौरान मिल रहा है। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 62 के आसपास का, एक बढ़िया मोनोपोली वाला स्टेक आप इसको जो है स्टॉक कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ ये बेच रहा है कोई और बेच ही नहीं सकता, ये इनके पास जो है एक बढ़िया मोट है और जो चीज़ ये बेच रहे हैं उसकी डिमांड सदा रहने वाली है, ये एक बढ़िया जो है बढ़िया मोट इन स्टॉक के पास रहने वाली है। ज़्यादा गहराई में घुस करके कुछ रखा नहीं है, बढ़िया बेस्ट स्टॉक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पेट्रोस्की स्कोर है 9 के आसपास का, बेस्ट बाइंग लेवल भी आपको जो है देख करके जाना है क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। आप बढ़िया स्टॉक्स को पीक पर जाकर के खरीद लो और उससे जो है मान लीजिए उससे 35% की गिरावट भी आ जाए तो आपको कुछ फ़ायदा जो है मालूम नहीं पड़ता है, फिर एवरेज करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं और पीक से कोई स्टॉक 35% गिर जाए तो विश्वास भी उस समय जो है डगमगा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 साल पहले मात्र 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, 3 साल पहले मात्र 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, आज 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पेट्रोस्की स्कोर फंडामेंटल्स को दर्शाता है और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव को दर्शाता है, जो कि 9 के आसपास का कंप्लीट और अप टू डेट यहाँ पर फंडामेंटल दिखाई दे रहा है। पीईजी रेशियो यानी कि ग्रोथ को जो कंसीडर करता है और साथ ही साथ वैल्यूएशन को जो कंसीडर करता है वो इस स्टॉक को अंडरवैल्यूड बता रहा है, यानी कि 60 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी इसको अंडरवैल्यूड बता रहा है। सो देखिएगा उसको भी जो है क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहली तो बात, क्या ये 60 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिजर्व करता है, इस बात का जो है आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम जो है प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं, देखिएगा डायरेक्टली जो है प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ ये जो है स्टॉक की वैल्यूएशन से जो है इनका मेल होता है हमेशा। अब इसकी हमेशा से ही प्रॉफिट ग्रोथ 72% की रही है, 32% की रही है, 97% की रही है, इनकी बीच की मीडियन अगर हम निकालें तो यहाँ पर इनकी बीच की मीडियन भी क्या आती है, अराउंड स्टॉक जो है 50 के प्राइस टू 50 या 40% तक की भी ग्रोथ उसने जो है हमेशा दिखाई ही है। तो यहाँ पर जब 40% की प्रॉफिट ग्रोथ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का स्टॉक दिखा रहा है तो 80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक भी महंगा नहीं है। मेरी बात को दोबारा मैं रिपीट करूंगा, जो भी जो है प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक की आपको एवरेज लगती है कि ये प्रॉफिट ग्रोथ आने वाली है नेक्स्ट जो है कपल ऑफ ईयर्स में, या जो प्रॉफिट ग्रोथ लगातार आई है उसके डबल की भी जो है वैल्यूएशन स्टॉक को इजीली दी जा सकती है। ये एक जो है रूल है, एक बेसिक जो है क्राइटेरिया है जिससे आप जो है स्टॉक की नापतोल कर सकते हैं। तो इसी आधार पर आपको ग्रोथ फॉर्मेट में ये स्टॉक सस्ता मालूम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या जो है फंडामेंटल्स इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2827 करोड़ के आसपास की सेल्स की है, सेल्स आज तक किस तरीके की नहीं हुई है, 19% के आसपास का प्रॉफिट है और यहाँ पर लगभग 254 करोड़ के आसपास का पैसा कमाया है, 308 करोड़ एक बार को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लगातार जो है स्टॉक नेट प्रॉफिट की ओर ही बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट तौर पर जो है ईयर ऑन ईयर वाइज बेसिस पर जो है स्टॉक ने बढ़िया सेल्स की है, लगभग जो है 9410 करोड़ के आसपास की सेल्स है, 19% के आसपास के मार्जन्स हैं और यहाँ पर 819 करोड़ के आसपास का मोटा पैसा स्टॉक ने कमा करके दिया है। कंसिस्टेंट सेल्स जो है लगातार आई हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लगातार आए हैं, कंसिस्टेंट कैगर लगातार आई है, तो यहाँ पर 4 की डिजिट में कैगर इसकी रहती हुई नजर आ सकती है, 41 से लेकर 49% तक की कैगर यहाँ से लगातार एक्सपेक्ट की जा सकती है। स्टॉक बड़ा ही शानदार है और शानदार स्टॉक को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जज किया जा सकता है जब हम उसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार फोकस कर लेते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि यहाँ पर हाईएस्ट एवर जितना स्टेक प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, अराउंड 65% के आसपास का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स के पास दिखाई देगा और यहाँ पर 14% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर जो है एफआईज के पास थी जो कि बढ़कर के 21% के आसपास की हो गई है और 21.something% के आसपास की हिस्सेदारी है जो कि लगातार हमको हाईएस्ट एवर दिखाई दे रही है। अब डीआईएस का जो है प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो 6.63 के आसपास की हिस्सेदारी थी, घटकर के 5.96 या 5.86 के आसपास हुई, अब यहाँ पर 7.21% के आसपास की हाईएस्ट एवर हिस्सेदारी है, यानी कि एफआईज की भी लगभग आज तक की सबसे ज़्यादा खरीदारी है या हिस्सेदारी है, डीआईएस की भी लगभग आज तक की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है और दोनों ही स्टॉक्स में खरीद रहे हो, ऐसा कंडीशन जो है हमेशा देखने को नहीं मिलती है। या तो एफआईज लगातार खरीद रहे होते हैं, डीआईएस प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, डीआईएस जब खरीद रहे होते हैं तो एफआईज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट इस स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा
दोनों मिड कैप क्षेत्र के एक बढ़िया दिग्गज स्टॉक हैं। दोनों 600-700 की रेंज के बीच में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही स्टॉक आपको एक बढ़िया जो है वैल्यूएशन पर आपको पैसा बना करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक 62 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर फिलहाल मिल रहा है। इसका लास्ट 5 ईयर्स का अगर एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखने की कोशिश करें तो अराउंड जो है 55% के आसपास का रहा है। और स्टॉक जब भी गिरावट दी है, देखिएगा यहाँ गिरावट दी थी, यहाँ जो है उसी वैल्यूएशन के आसपास स्टॉक ने जो है दोबारा जो है रुकावट ली। तो यानी कि स्टॉक अराउंड अपने 52 वीक लो क्या है स्टॉक का, यहां पर जो है 473 के आसपास का स्टॉक का लो है। और यहां पर जो रिसेंट गिरावट थी वो कितनी आई थी उसको एक बार जो है यहां पर नजर में डाल लेते हैं। तो यहां पर जो है स्टॉक में जब गिरावट यहां पर देखी गई थी तो स्टॉक यहां पर इस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आया था। यानी कि लगभग जो है 570 के आसपास स्टॉक आपको मूव करता हुआ नजर आया था। इसमें जो है मैं बोनस जो है इंक्लूड करके आपको प्राइस बता रहा हूं। अगर बोनस आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि स्टॉक 1100 के आसपास का था और लगभग 800 की रेंज में खूब दौड़ा, 800 की रेंज में खूब दौड़ा है। अब बोनस कंसीडर करके अगर जो मैं आपको प्राइस बताऊं तो यहाँ पर वो 800 आज का जो है लगभग 540 या 550 बनता है। सो यहाँ पर इस तरीके से स्टॉक आपको एक बढ़िया वैल्यूएशन पर और फिलहाल जो है ओवरऑल परस्पेक्टिव से देखा जाए तो अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर गिरावट आए तो यहाँ पर 650 के आसपास की रेंज, ये आप ऑर्बिट पकड़ लीजिए, इससे 10 पॉइंट नीचे या 10 पॉइंट ऊपर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। कल को अगर एक बढ़िया गिरावट मार्केट में आए तो यहाँ पर वरुण बेवरेजेज में 650 के आसपास बिल्कुल दबा करके खरीदारी की जा सकती है। इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है अगर एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये दोनों स्टॉक आपको अवेलेबल हो जाए। तो पहले स्टॉक में क्या वैल्यूएशन है, दूसरे स्टॉक में क्या वैल्यूएशन है, दोनों में क्या बाइंग लेवल्स है, सब कुछ हमने डिस्कशन किया। और यहाँ पर बिजनेस कितने सॉलिड है वो भी आपको पता होना चाहिए और उसका भी मेन पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप में से कौन कौन इन्वेस्टर जो है इन स्टॉक्स में जो है खरीदारी पहले से करके बैठा है, अब करना चाहता है, या मेरी वीडियो देखने के बाद इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहेगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और यहाँ पर दोनों में से कौन सा स्टॉक आपको जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है और ज़्यादा कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना करके दे सकता है, वो भी मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा आपकी राय। और गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो आप बगल में दिए गए सब्सक्राइब बटन पर हिट कर सकते हैं। खट से जो है सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन है, साथ में घंटी दी गई होगी, ऑल का नोटिफिकेशन वहाँ से सेलेक्ट करके आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस के लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरे साथ मिलकर के, मैं आपके साथ मिलकर के चीज़ों को लगातार हम सीखते रहेंगे और यहाँ पर शेयर बाजार की जर्नी को लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, मैं आशा करूँगा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा।